ओम शांति। आज हम हमारे युवाओं के लिए कुछ बात करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, जहाँ पर कि युवाओं को एक नई ताकत, नई शक्ति, नई ऊर्जा का दिग्दर्शन, दिशा निर्देशन या उनकी ऊर्जा को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ताकत दी जाती है। आज हम देखते हैं हर एक देश में, विशेष भारत में, युवा बहुत हैं, लेकिन उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है और दिशाहीन होने के कारण आज युवा भटक रहा है, या यह कहें कि अपनी एनर्जी को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है। इसलिए हर एक युवा को एक नई ताकत देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ने एक कदम उठाया है, और इसी के संदर्भ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के नाम से उसमें एक युवा प्रभाग भी जोड़ा गया है। तो इस युवा प्रभाग के अंतर्गत पूरे देश भर में हमारी जितनी भी शाखाएं हैं और हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू में भी, उनके लिए विशेष कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो उन कार्यक्रमों के अंदर विशेष रूप से उनको ये बताया जाता है कि आज का युवा, उसके अंदर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बहुत ताकत है। उस ताकत को सही दिशा में यूज करे तो भारत विश्व गुरु बनाने में बहुत मददगार हो सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं युवा एक भागम भाग में भाग रहा है, उसको एक दिशा का पता होते हुए दिशा की तरफ उसका कदम सही नहीं जा रहा है। उसका बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसको रोजगार की बात आती है, उसको घर में संबंधों की बात आती है, परिवार में उसको रिकॉग्नाइजेशन की बात आती है, सोसाइटी में उसको रिकॉग्नाइजेशन की बात आती है, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। उसका भी कारण है, क्योंकि हर माता पिता युवा से आशा रखता है कि वो एक अच्छा मार्ग और अपने पढ़ाई के अंदर भी उसके मार्क अच्छे आए, रोजगार भी उसको मिले, वो प्रगति करे, ये उसके प्रति आशा तो जरूर रखते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चिंतन, या हम ये कहें कि उनको एक गाइडेंस प्रॉपर देने के लिए उनके पास भी वक्त नहीं है। वो भी संसार की चकाचौंध में अपने आप को बिजी रखते हुए अपने नौकरी पैसे के साथ में, अपने काम काज में ही इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों के प्रति इतना जागरूक होना चाहिए, उतना जागरूक नहीं हो पाते हैं। इसलिए युवा को आज एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। वो मार्गदर्शन है एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय एक राजयोग की शिक्षा प्रदान करता है। तो जैसे ही हम परमात्मा के साथ में अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर परमात्मा की प्रदत्त जो एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं शांति, एकता, पवित्रता की, गुणों की एनर्जी, वरदान की एनर्जी, वो हमारे अंदर संचार होने लगती है। तो जैसे जैसे हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे,
परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का बहुत सरल उपाय परमात्मा ने आकर के हमें सुझाया है कि अपने आप को हम शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आत्मा समझें। मैं शरीर से अलग एक चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और जैसे ही ये हम अपने अंतर मन में इसका विचार करेंगे, सोच रखेंगे, तो हमारे अंदर उसकी महसूसता होने लगेगी। और जैसे ही हमारे अंदर ये महसूसता होने लगेगी तो हमारा परमात्मा के साथ में कनेक्शन होना भी उतना ही सहज होता जाएगा। परमात्मा भी एक निराकार है, ज्योति है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्तियों का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो जैसे जैसे हम अपने आप को उस स्वरूप में टिकाने की कोशिश करेंगे, या हम ये कहें कि उस स्वरूप में टिकाएंगे, तो परमात्मा का भी हमारे ऊपर वैसे ही किरणें आना शुरू प्रारंभ होगा। और जैसे परमात्मा की याद में हमने उन किरणों को, उन शक्तियों का अनुभव करने लगेंगे, तो आज इस आत्मा को वो शक्तियों का संचार जैसे जैसे होने लगता है, तो आत्मा के अंदर वो ताकत आने लगती है। तो हम अपने कार्य क्षेत्र में और जहाँ पर भी हमारा, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे हमारी नौकरी पेशे का स्तर हो, तो उसमें हमें आत्मविश्वास जागृत होता है। आज युवा का भटकने का एक कारण ये भी है क्योंकि उसको आत्मविश्वास धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। तो आत्मविश्वास ख़त्म होने के कारण भी युवा जो है वो अपने रास्ते से भटक रहा है। तो जब उस युवा को आत्मविश्वास की मन में दृढ़ता आ जाती है, तो वो जो भी कार्य करता है, या वो जिस शिक्षा का स्तर को बढ़ाना चाहता है, या अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी पेशे के स्तर में, व्यापार के स्तर में जब उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो नेचुरल है उसको सफलता मिलती जाती है। और हर एक इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे कोई भी हो, उसको जीवन में सफलता चाहता है, सफलता की खोज में वो आगे भागता है, या ये कहें कि सफलता उसको हासिल करने के लिए वो अनेक प्रकार के प्रयास करता है। तो उन प्रयासों के अंदर अगर वो दिल से, प्रेम से परमात्मा के साथ में अपना कनेक्शन जोड़े, तो उनको सफलता कहीं ज़्यादा मिलने के लिए एक उम्मीद जगती है। और उस उम्मीद के साथ में वो आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आत्मिक शक्तियाँ का जागृत होना शुरू होता है, तो हमारे पास में एक ओरा बनना शुरू होता है। उस ओरा के आधार से हम दूसरी आत्माओं को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जैसा हमारा रिफ्लेक्शन दूसरी आत्माओं के साथ में या दूसरी आत्माओं के पास वो रिफ्लेक्शन पहुंचता है, नेचुरल बात है कि वो आत्माएं भी अट्रैक्ट होकर के आपके साथ सहयोगी बन जाते हैं, आपको विघ्न करने की बजाय आपके साथ सहयोगी बन जाते हैं। तो आपको जो जिस कार्य में भी आपने हाथ आगे करते हैं, जिस कार्य में आप आगे कदम रखते हैं, तो नेचुरल वे पर आपको सफलता मिलती जाती है। और सफलता व्यक्ति को जब मिलती है, जब उसके साथ में सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक सोच, सकारात्मक कार्यशैली व्यक्ति के साथ में होने लगता है, तो उसको सफलता मिलना एक सुनिश्चित हो जाता है। या हम ये कहें कि सफलता उसका एक जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से हमने ये देखा कि उसका सकारात्मक सोच चाहिए और परमात्मा के साथ में कनेक्शन चाहिए। उसके लिए हो सकता है वो राजयोग सीखे। अगर राजयोग उसको नहीं भी सीखना है या उसकी रुचि नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे वातावरण में, एक शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में कुछ आध्यात्मिक किताबों को पढ़े, और साथ साथ में अपना खान पान की भी वो शुद्धि रखे।
क्योंकि खान पान का भी हमारे मन पर बहुत प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम अन्न लेंगे हमारी सोच वैसे ही आगे बढ़ेगी। तो शुद्ध भोजन की भी हमारे जीवन में बहुत नितांत आवश्यकता कहें या जरूरत कहें, या हमारे को एक सफलता के शिखर पहुंचने के लिए एक हमारे को बहुत मददगार के रूप से साबित होती है। तो शुद्ध भोजन अर्थात शाकाहारी भोजन, और शाकाहारी भोजन से हमारा मन भी शांत रहता है, और मन जिसका शांत होता है तो उसके विचार भी शांत होते हैं, और विचार शांत होने से उसका व्यवहार भी शांत होता है। आप खुद भी ये अनुभव कर सकते हैं कि किसी के पास में भी कोई भी कार्य के लिए अगर हम जाते हैं या कोई हमारे से मिलने के लिए आता है तो वो हमारे से क्या चाहता है, हमारे से एक अच्छा व्यवहार चाहता है। मन में विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, तो वो वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा के ऊपर में पड़ता है, और सामने वाली आत्मा भी उतना ही सहयोग देने को तैयार हो जाती है अगर हमारे विचार श्रेष्ठ हों, हमारे स्वभाव श्रेष्ठ हो, हमारा व्यवहार श्रेष्ठ हो। तो नेचुरल है कि उस युवा को जीवन के अंदर सफलता हासिल हो जाती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आज युवा को अपने जीवन के अंदर सात्विकता को लाना है, सात्विकता आहार के रूप में भी, व्यवहार के रूप में भी, और विचार के रूप में भी। और इनके लिए थोड़े समय के लिए हम राजयोग का आधार ले सकते हैं, या कुछ अच्छे विचारों की या कुछ महान व्यक्तियों की पुस्तकों का भी आधार ले सकते हैं, या एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक विचारों के सहित जो म्यूजिक है, या हम ये कहें कि सॉन्ग है, उसका भी आधार ले सकते हैं। तो हमारा नेचुरल रूप से हमारा मन के अंदर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और मन हमारा शांत रहता है। तो जिस आत्मा का भी, जिस भी युवा का मन शांत होता है, आज हम हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में भी हमारे सूरज भाई जी का एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर भी महान संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक बहुत सरल स्वभाव का बनाया, अनेक लोगों के लिए वो आदर्श बने। तो ऐसे यहाँ पर जो ईश्वर विश्वविद्यालय में तो खास ये जो राजयोग सिखाया जाता है, उस राजयोग के माध्यम से हम अपने को परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा मन नेचुरल वे पे शांत होता है हमारी। और जब हमारा मन शांत होता है तो दुनिया के अंदर जितने भी भागदौड़ है उससे हम बहुत रूप से वंचित हो जाते हैं, हमारी आवश्यकताएं भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं, और जैसे जैसे आवश्यकताएं कम हो जाती हैं तो उतना ही हमें ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जितनी आवश्यकताएं व्यक्ति को बढ़ती हैं तो उतना ही वो उसकी भागदौड़ भी बढ़ती जाती है, और एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसको उतना ही मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है, फिर तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है। ऐसे इच्छाओं का संसार जो है वो बढ़ता जाता है, और इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनको अनेक अनेक प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, जिसमें ये भी हम कह सकते हैं कि उसको करप्शन की बहुत सारी लत लग जाती है, बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की, ऐसे बहुत सारे दुष्कर्मों की लत लग जाती है, और उस अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके साथ में जो बुरी आदतें बन जाती हैं तो उनसे छुटकारा हो पाने के लिए भी फिर अपने आप को असहाय फील करता है। इसलिए अगर हम शुरू से ही इस बात को ध्यान दें कि हमारा जीवन सात्विक होना चाहिए, हमारा मन पावन होना चाहिए, हमारा तन भी शुद्ध होना चाहिए, तो हमारे को सफलता ज़्यादा मिलेगी और हम एक सफल युवा कहलाएंगे। और सफल युवा का एक संगठन जब बन जाता है तो एक देश के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लाभप्रद होता है, और वो देश एक शक्तिशाली देश बन करके उभरता है। तो इस प्रकार से
हम अगर ये बात को थोड़ा विचार करें अपने लिए, तो हम एक आदर्श और एक महान तपस्वी बन करके अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से कहूँगा कि युवाओं को अपने जीवन के अंदर एक तपस्वी बन करके, एक सच्चे युवा बन करके देश को अपने शक्तिशाली बनाना है, अपने समाज को भी शक्तिशाली बनाना है। और हम मिल करके अगर ये काम लें तो ये असंभव नहीं है, ये संभव है। हमने पहले भी किया है, अभी भी कर सकते हैं और आगे भी हम करके दिखाएं। ये संकल्प मैं कहूँगा कि आज हम सबको लेना है, तो हमारा देश का युवा बहुत ही शक्तिशाली बन करके इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने की भूमिका में अग्रणी पार्ट बजा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और उन युवाओं को भी मैं यही कहूँगा कि आप भी इस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए आगे आएं और समाज का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।